फिरोजाबाद के शुकाबाद में रोटी बैंक के सह संचालक राजीव गुप्ता ने अपनी बेटी का जन्मदिन बड़े ही अनूठे तरीके से मनाया। इस मौके पर भूखों को भोजन कराया और वस्त्र भी वितरण किए। जिला फिरोजाबाद के शुकाबाद नगर के समाज सेवी राजीव गुप्ता ने आज अपनी बेटी का जन्मदिन अनूठे तरीके से मनाया। उन्होंने बेटी के जन्मदिन के अवसर पर भूखे को भोजन कराने के बाद उन्हें वस्त्र वितरित किए। रोटी बैंक के सह संचालक राजीव गुप्ता हमेशा असहाय की मदद के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। दो दिन पूर्व शुकाबाद के सरकारी अस्पताल में आए एक बेसहारा बीमार वृद्ध को नए कपड़े उपलब्ध कराए थे। इस वृद्ध के हाथ में चोट का गहरा घाव था, इसमें कीड़े पड़ गए थे। इसके बाद कपड़े भी गंदे और फटे थे। बीमार के साथ न तो कोई तीमरदार था, न ही उसके पास पैसे थे। डॉक्टर अभिषेक के कहने पर नगर के समाज सेवी राजीव गुप्ता ने बाजार में नए कपड़े खरीद कर पहनाए। राजीव गुप्ता ने लॉकडाउन के दौरान महानगरों से अपने गाँव पैदल लौट रहे प्रवासी लोगों के साथ अन्य जरूरतमंदों को नियमित खाना खिलाया है। आज उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर गरीबों की सेवा कर एक अनूठी मिसाल पेश की है, जिससे शहर का हर एक व्यक्ति तारीफ कर रहा है। इसकी यही वजह रही, मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ना करके मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए मेरे माइंड में आया कि मैं दान करूँ आज, और ये सब मैं पापा से इंस्पायर होकर कर रही हूँ। वो इतना दान करते हैं, तो इस और जैसे मैं चाहती हूँ, जैसे मैं कर रही हूँ, वैसे और भी लोग ऐसा करें, दान करें। आज मेरी बेटी शिवांगी गुप्ता का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य हमने सोचा जो लोग लेडीज असहाय लेडीज खाना खाने आती हैं उनको एक एक साड़ी, और जो साधु और संत आते हैं उनको पीले वस्त्र भेंट किए गए हैं जा रहे हैं। इससे ये है कि वस्त्र देने का केवल एक ही फायदा है कि इन लोगों के कपड़े भी काफी दिनों से देख रहा था अच्छे नहीं थे, तो भोले बाबा पर रो रात की कृपा हुई, दे दिए गए उन्हीं के आशीर्वाद से।